हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने के अपने मकसद से इसराइल ने लेबनान में अपनी जमीनी सेना की तैनाती की है, तो वहीं इसराइल की वायु सेना भी लेबनान की राजधानी बेरूत में लगातार हमले कर रही है। आलम यह है कि इसराइल ने दक्षिणी बेरूत में पिछले 12 घंटों में 6 बड़े अटैक किए हैं। ये आंकड़ा हम आपको वीडियो बनाए जाने तक का बता रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ इससे ज्यादा भयावह है। हमलों को गौर से देखने पर राजधानी बेरूत आग का गोला नजर आ रही है, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के हमास के बाद अब लेबनान के हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने की कसम खाई है, क्योंकि इजरायल को लगता है कि हिजबुल्लाह हमास से कहीं ज्यादा खतरनाक है। कुल मिलाकर इस वक्त मिडिल ईस्ट में कोहराम है, बम बारूद सेना हथियार हैं, आम जन में त्राहिमाम है, तीसरे विश्व महायुद्ध का आगाज है। दुनिया भर में इंसानियत की तरफदार तमाम संस्थाएं मिडिल ईस्ट में चल रहे मानवता के दुश्मन संघर्ष से बेहद चिंतित नजर आ रही हैं। इसलिए लेबनान में भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों से अपनी वेबसाइट पर पंजीकरण करने का अनुरोध किया है। ये अनुरोध लेबनान में वर्तमान स्थिति को देखते हुए किया गया है, जहां इजराइल और लेबनान के बीच तनाव बढ़ रहा है। कार्रवाई के कारण लेबनान में कई लोग विस्थापित हुए हैं और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी कि UNHCR ने उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए अहम कदम उठाए हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि मिडिल ईस्ट के इस संघर्ष में UN की क्या और कैसी भूमिका है, और इस भूमिका के चलते इसराइल और लेबनान बॉर्डर पर भारतीय सैनिक क्या कर रहे हैं, संघर्ष में भारत का ये कैसा हस्तक्षेप है। गौरतलब है कि इसराइल लेबनान बॉर्डर पर 900 भारतीय जवान तैनात है, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का हिस्सा है जो मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम कर रही है। ये तैनाती भारत की वैश्विक जिम्मेदारी और शांति स्थापना की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बता दें कि भारतीय सेना की ये तैनाती यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान यानी कि UNIFIL के तहत है, जो 1978 से लेबनान में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम कर रही है। इस बल में भारत सहित कई देशों की सेनाएं शामिल हैं। अब हम यहां पर आपको विशेष तौर से ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि इजराइल लेबनान बॉर्डर पर भारतीय जवानों की तैनाती के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, जिनमें पहला है कि इजराइल लेबनान बॉर्डर पर शांति और स्थिरता बनाए रखना, नंबर दो इसराइल और लेबनान के बीच संघर्ष को रोकना, नंबर तीन स्थानीय नागरिकों को मानवीय सहायता प्रदान करना। लेकिन अब इसराइल लेबनान युद्ध की वजह से दोनों ओर से चल रही गोलीबारी में बॉर्डर पर तैनात भारतीय सैनिकों पर भी खतरा मंडराने लगा है। एक सवाल ये भी है कि इसराइल लेबनान बॉर्डर पर किस घटनाक्रम के बाद वहां भारतीय सैनिकों को तैनात किया गया था, जिसके जवाब में पता चलता है कि बात 1978 की है, जहां लेबनान में मौजूद फिलिस्तीनी समर्थक चरमपंथियों ने तेल अवीव के पास दर्जनों यहूदियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इन हत्याओं का बदला लेने के लिए इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में चरमपंथियों के सफाए के लिए एक ऑपरेशन चलाया। इसके बाद दोनों देशों में जंग शुरू हो गई। इसे इजरायल की ओर से लेबनान पर किया गया हमला बताया गया। जब ये मामला UN में पहुंचा तो तुरंत यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने इस जगह पर शांति कायम करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव के मुताबिक इजरायली सेना को फौरन लेबनान सीमा से वापस लौटने को कहा गया। इसके बाद लेबनान में UN की ओर से शांति कायम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फोर्स की तैनाती की गई। UN की ओर से तैनात इन जवानों को संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी UNIFIL कहा जाता है। 1978 के बाद से ही यहाँ UNIFIL की तैनाती है। इस वक्त भारत के 900 जवानों की तैनाती दक्षिणी लेबनान के इजरायली सीमा के पास की गई है।
दक्षिणी लेबनान में जहां यूएन की फोर्स की तैनाती है, उस 110 किलोमीटर के क्षेत्र को ब्लू लाइन कहा जाता है। इस समय संयुक्त राष्ट्र के पीस मिशन में 48 देशों के लगभग 10,500 पीप कीपर्स हैं। इसराइल हिजबुल्ला युद्ध के बीच यूएन के ये जवान इसराइल और लेबनान दोनों देशों से शांति और संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। फिलहाल मिडिल ईस्ट का ये महायुद्ध इसराइल, लेबनान और हिजबुल्ला भर तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इस महायुद्ध में इसराइल के खिलाफ एक खेमे में जहां खाड़ी के चार देश खड़े हैं, जिनमें ईरान भी शामिल है, तो वहीं इसराइल को वर्ल्ड पावर अमेरिका का साथ मिला हुआ है। ईरान के इसराइल पर हमले के बाद से आशंका इस महायुद्ध के मिडिल ईस्ट से बाहर निकलने की कहीं ज्यादा बढ़ गई है। दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेजी से सुनाई पड़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है, आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।